अल्लाहकुम फ्रेंड्स वेलकम टू परवीन Lifestyle. आज मैं आपके साथ मटन सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बकर आने वाली है तो फ्रेंड्स मैंने सोची कि आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ तो देख सकते हैं आप लोग ये सीख कबाब काफ़ी delicious, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था बहुत ही चटकारेदार तो बहुत ही ईजी वे में बनाया था ये रेसिपी तो चलो बनाना इस्टार्ट करते हैं ये है अदरक लहसन और कोतमीर की डंडल और हरी मिर्च इन सब का हमको पेस्ट बना लेना है बारिक सा तो अभी एक बर्तन लेंगे इसके अंदर हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे ये ज़ीरा है अखी धनिया है और रेड मिर्ची पाउडर ब्लैक पेपर काली मिर्च इन सब का पाउडर बना कर रख देना है साइड में अभी भी ये मैंने कीमा लिया था कम से कम आधा आधा किलो का कीमा था इसमें अदरक लहसन का पेस्ट जो बनाया था वो भी ऐड करना है और ये प्याज़ था इसको बारीक चॉप कर लेना है और ये प्याज को अच्छी तरह से इसका रस निकाल लेना है ताकि हमारे कबाब टूटे ना और ये कुटी हुई धनिया है इसको ऐड करना है और ये गरम मसाला पाउडर और ये पाउडर मसाला जो बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे इसके बाद ये अमचूर पाउडर है इससे सीख कबाब की टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और नमक भी ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है जितना अच्छे से मिक्स होगा उतना ही टेस्टी जायकेदार हमारा सीख कबाब बनेगा अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए रख देंगे फिर इसके बाद इसके अंदर कोतमीर भी ऐड करना है बारीक कटी हुई इन सबको वापस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुटी हुई रेड मिर्ची डालना है अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं एक ऐसी स्टिक ले लेना है और इस तरह से हम सीख कबाब का शेप दे देंगे एकदम इजी वे में देखो मैं बता रही आप लोग को और इस तरह से फटाफट बनाकर हम रख देंगे सीको को इस तरह से मैंने पांच सीख कबाब बनाए हैं अभी एक बर्तन लेना है शैलो फ्राई करना है डीप फ्राई नहीं करना है इसके बाद एक एक करके हम इस कबाब को इसके अंदर ऐड करेंगे और इस तरह हम सारे कबाब इसके अंदर ऐड कर देंगे और अभी इसको हम स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और पलट लेंगे इस तरह से अच्छी तरह से सेकने के बाद हम ये फ्राई हो चुका है अभी हम निकाल लेंगे इसको एक बर्तन में अभी वापस हम और कबाब भी इसमें ऐड कर देंगे तरह इसको भी हम फ्राई कर लेंगे तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग ये सीख कबाब काफ़ी टेस्टी और चटकार चटकारेदार और जायकेदार बहुत ही लग रहा है और बहुत ही बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स तो आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और ईद में ज़रूर बनाना तो फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कमेंट करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज